वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू दृष्टि पीसीएस। हम लोग आज अनेक शब्दों के एक शब्द पढ़ेंगे। जितना हो सकता है मैं जितना ज्यादा से ज्यादा कवर कर सकती हूँ मैंने इस वीडियो में उतना ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश की है। अगर एक वीडियो ये लेंदी हो जाता है तो हम इसको सेकेंड वीडियो में भी कर देंगे, डोंट वरी अबाउट दैट कि क्या करना है। और सबसे बड़ी बात कि मैंने इसमें प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिनके क्वेश्चंस हम मुझे लेने, वो सब भी मैंने इसमें ले लिए। फिर भी कुछ रह जाता है तो आप लोग को मैं क्वेश्चंस पेपर्स के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको भी एक बार हम रिवाइज कर लेंगे। ओके, तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट कर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अनेक शब्दों के एक शब्द एग्जैक्टली होते क्या हैं और क्यों यूज किए जाते हैं। अनेक शब्दों के एक शब्द मतलब बहुत सारे शब्दों के लिए एक छोटा शब्द दे देना। ये शब्द रचनात्मक जो रचना होती है उसमें संक्षिप्तता लाते हैं, सुंदरता लाते हैं और एक गंभीरता लाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। हाथी हांकने का छोटा भाला अंकुश, जो कहा ना जा सके उसको हम कहते हैं अकथनीय। जिसे क्षमा ना किया जा सके अक्षम्य, जिस स्थान पर कोई ना जा सके अगम्य, जो कभी बूढ़ा ना हो अजर, जिसका कोई शत्रु ना हो उसे हम क्या कहते हैं अजात शत्रु। अजात शत्रु क्या होता है, जिसका कोई शत्रु ना हो। जो जीता ना जा सके अजय, जो दिखाई ना पड़े अदृश्य। जाहिर सी बात है अदृश्य को हम जो दिखाई नहीं पड़ता, वैसे तो कहते नहीं है कि वो जो दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो इसको हम छोटे शब्द में क्या बोल देंगे, वो अदृश्य हो गया है। ठीक है, तो ऐसे एक शब्द में गंभीरता भी आ गई, सुंदरता भी आ गई और छोटा भी हो गया और टाइम भी बच गया। उसके बाद जिसके समान कोई ना हो अद्वितीय, हृदय की बातें जानने वाला अंतर्यामी। अपन बोलते ना कि आप तो बिल्कुल अंतर्यामी हो गए हो, सब जानते हो, हृदय की बात जानता है जो, उसको हम बोलते हैं अंतर्यामी। पृथ्वी ग्रह और तारों आदि का स्थान अंतरिक्ष, दोपहर के बाद का समय अपराह्न, जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो अपवाद। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो उसे क्या कहते हैं अपवाद। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, अपराध करने का आरोप हो या अभियोग लगाया गया हो, अभियुक्त। इसमें मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे हम अभियुक्त कहते हैं। ठीक है, जो पहले कभी ना हुआ हो अभूतपूर्व, ऐसा बोलते हैं ना अभूतपूर्व, एकदम अभूतपूर्व गेम हुआ, अभूतपूर्व प्रदर्शन रहा, मतलब इसके पहले किसी ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया ही नहीं। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र, जिसकी गिनती ना हो सके अगणित अगणनीय, जो पहले पड़ा हुआ ना हो अपठित, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो अतिथि। ठीक है, तो हम कहते ना अतिथि तुम कब जाओगे, तो अतिथि, अतिथि मतलब आ और तिथि, आ से इसमें थोड़ा सा अपोजिट वर्ड आ गया अतिथि, जिसके आने की कोई तिथि ना हो, तो अतिथि के आने की कोई तिथि होती नहीं तो अतिथि। कमर के नीचे पहन जाने वाला वस्त्र, इंपॉर्टेंट है ये अधो वस्त्र, जिसके बारे में कोई निश्चय ना हो अनिश्चित, जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो अनिर्वचनीय, इंपॉर्टेंट है, जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो अनिर्वचनीय। ठीक है, जिसको हम निर्वचन ही नहीं कर सकते, वचनों के द्वारा कह ही नहीं सकते, अत्यधिक बड़ा चढ़ा कर कही गई बात अतिशयोक्ति, एक अतिशयोक्ति अलंकार भी होता है। सबसे आगे रहने वाला अग्रणी, जो पहले जन्मा हो अग्रज, जो बाद में जन्मा हो अनुज। ये दोनों याद रखिएगा, काफी कंफ्यूज होते हैं बच्चे इसमें। जो इंद्रिय द्वारा ना जाना जा सके अगोचर, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जिसका पता ना हो अज्ञात, आगे आने वाला आगामी, हम बोलते ना आगामी जो एग्जाम्स आने वाले हैं वो आगामी। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज, जो छूने योग्य ना हो अछूत, जो छुआ ना गया हो अछूता। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आप डिफरेंस याद रखिएगा, जो छुआ ना गया हो अछूता, अछूता रह गया मतलब किसी ने उसको टच नहीं किया है, और जो जो मतलब छूने योग्य ना हो मतलब जिसको छू नहीं सकते, गंदी चीज या अछूत हो गया वो। ठीक है, नेक्स्ट है, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके अच्युत, इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके अच्युत। आपको कुछ नहीं करना है, ये वीडियो 2 से 3 बार देखना है, सारे अपने आप रट जाएंगे और जो इंपॉर्टेंट है वो तो मैं आपको बताई दूंगी। जो अपनी बात से टले नहीं अटल,
जिस पुस्तक में 8 अध्याय है, अष्टाध्याय, आवश्यकता से अधिक बरसात अतिवृष्टि, बरसात बिल्कुल ना होना अनावृष्टि, ठीक है, और बरसात बहुत कम होना अल्पवृष्टि, इन तीनों का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अतिवृष्टि, अनावृष्टि और अल्पवृष्टि, बिल्कुल भी ना बरसात होना अनावृष्टि, और कम वर्षा होना अल्पवृष्टि, इंद्रियों की पहुंच से बाहर अतिंद्रिय, इंद्रियातीत, ठीक है, सीमा का अनुचित उल्लंघन, अतिक्रमण, जो बीत गया हो अतीत, जिसकी गहराई का पता ना चल सके, अथाह, हम ऐसा बोलते हैं ना, अथाह समुन्दर है, अथाह समुन्दर, समुन्दर की गहराई का पता करना कितना टफ है, इसीलिए हम समुन्दर के आगे लगाते हैं अथाह, क्योंकि उसकी गहराई का हम पता नहीं कर सकते। आगे का विचार ना कर सकने वाला अदूरदर्शी, दूरदर्शी कौन होता है, जो दूर की सोचता है, दूर का विचार कर लेता है, जो आज तक से संबंध रखता हो अद्यतन, आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो अध्यादेश, जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो अधिकृत, वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हुई हो अधिसूचना, इंपॉर्टेंट, इस तरीके के वर्ड इंपॉर्टेंट होते हैं, विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम अधिनियम, अविवाहित महिला अनुड़ा, इंपॉर्टेंट है, जो महिला अविवाहित होती है उसे हम क्या कहते हैं, अनुड़ा, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो अध्यायुड़ा, इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, अनुड़ा मतलब अविवाहित महिला और जिस महिला के पति ने दूसरी शादी कर ली हो अध्यायुड़ा, दूसरे की विवाहित स्थिति, सॉरी, दूसरी की विवाहित स्त्री अन्योड़ा, इंपॉर्टेंट है ये सारे, ओके, अनुड़ा अविवाहित महिला, अध्यायुड़ा वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो और दूसरे की विवाहित स्त्री अन्योड़ा, गुरु के पास रहकर पढ़ने वाला अंतेवासी, पहाड़ के ऊपर समतल जमीन अधित्यका, इंपॉर्टेंट है, पहाड़ के ऊपर जो समतल जमीन होती है अधित्यका बोलते हैं उसको, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं, अधो हस्ताक्षर करता, इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स में, मतलब ऐसा नहीं है किसी आपके एग्जाम में, मैक्सिमम बहुत सारे एग्जाम्स के लिए गए हैं, और जो कुछ कॉमन है वो तो है, और जो इंपॉर्टेंट है वो भी इसमें लिए गए, तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा। एक भाषा के विचार को दूसरी भाषा में व्यक्त करना अनुवाद, किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला अनुयायी, जैसे कि बहुत सारे हैं अनुयायी बन जाते हैं ना, रामकृष्ण परमहंस के अनुयायी हो गए और गौतम बुद्ध के अनुयायी हो गए, तो वो उनके संप्रदाय का समर्थन करने वाले होते हैं। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया अनुमोदन, इंपॉर्टेंट है, कोई प्रस्ताव है उसे आपको समर्थन देना, तो आप क्या करोगे, उसका अनुमोदन करोगे। नेक्स्ट, जिसके माता पिता ना हो अनाथ, जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो अंत्यज, इंपॉर्टेंट है, ओके, परंपरा से चली आई कथा अनुश्रुति, जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो अन्योन्योपाय, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो अन्योदर, उदर मीन्स होता है पेट, अन्य मीन्स होता है अन्य, तो अन्योदर, ओके, पलक को बिना झपका है अनिमेश, निर्निमेश, इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा, पलक को बिना झपका है, जो बुलाया ना गया हो अनाहूत, जो ढका हुआ ना हो अनावृत, जो दोबारा दोहराया ना गया हो अनावृत, ठीक है, अनावृत, जो दोहराया ना गया हो और जो ढका हुआ ना हो अनावृत, इंपॉर्टेंट है ये दोनों, याद रखिएगा, कंफ्यूजिंग है, एक बार और बोल रही हूं, जो ढका हुआ ना हो अनावृत, जो दोहराया ना गया हो अनावृत, ठीक है, थोड़ा सा लिखावट में डिफरेंस है, पहले लिखे गए पत्र का स्मरण अनुस्मारक, पीछे पीछे चलने वाला या अनुसरण करने वाला अनुगामी, महल का वह भाग जहां रानियां निवास करती है अंतःपुर या रनिवास, जिस किसी स्थान, जिस किसी बात का पता ना हो अनभिज्ञ अज्ञ, जिसका आदर ना किया गया हो अनादृत, इंपॉर्टेंट है ये अनादृत, जिसका आदर ना किया गया हो वो अनादृत होता है, अनादर नहीं होता, अनादर मतलब क्या होता है, आदर नहीं किया गया, लेकिन जिसका आदर ना किया गया हो वो
वो जो पर्सन होता है ना जिसका आदर ना किया गया, वो होता है अनादृत। नेक्स्ट, जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो, अन्य मनस्क। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो, अपव्ययी। और जो धन को कम खर्च करता हो, वो अल्पव्ययी। आवश्यकता से अधिक धन का संचय ना करना अपरिग्रह। अपरिग्रह आपने याद होगा, गौतम बुद्ध ने 5 जो नियम बताए थे, ठीक है, उसमें एक अपरिग्रह भी था। जो किसी पर अभियोग लगाए, अभियोगी। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है, अपथ्य। इम्पोर्टेंट है ये अपथ्य। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है उसे क्या बोलते हैं, अपथ्य। जिस वस्त्र को पहनना ना गया हो, अप्रहत। ना जोता गया खेत, अप्रहत। इम्पोर्टेंट है दोनों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। जिस वस्त्र को पहना ना गया हो, अप्रहत। और जो जोता ना गया हो खेत, वो भी क्या कहलाता है, अप्रहत। इन दोनों को याद रखिएगा, ओके। जो बिना मांगे मिल जाए, अयाचित। जो कम बोलता हो, अल्पभाषी या मितभाषी। आदेश की अवहेलना करना, अवज्ञा करना। बिना वेतन के कार्य करता हो, जो उसे बोलते हैं अवैतनिक, और इंग्लिश में सिनेक्योर बोलते हैं उसे, ऐसे इंसान को। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, अप्रवासी। जो सहनशील ना हो, ध्यान रखिएगा, जो सहनशील ना हो, असहिष्णु। जिसका कभी अंत ना हो, अनंत। जिसका दमन ना किया जा सके, अदम्य। जिसका स्पर्श करना वर्जित हो, अस्पर्श। जिसका विश्वास ना किया जा सके, अविश्वस्त। जो कभी नष्ट ना होने वाला हो, अनश्वर। जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो, अनादित। इम्पोर्टेंट है ये अनादित्य, ओके। जिसके पास कुछ ना हो, अर्थात दरिद्र हो, अंकिचन। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब हम पर्यायवाची पढ़ेंगे तब भी ये अंकिचन इस टाइप के वर्ड आएंगे, ओके। जो कभी मरता ना हो, अमर। जो सुना ना हो, अश्रव्य। एक बात का आप ध्यान रखिएगा, जब हम पर्यायवाची पढ़ रहे हो, अनेक शब्दों के एक शब्द पढ़ रहे हो, तो इसमें बहुत सारे वर्ड आपको एक दूसरे में मिलते हुए मिल जाएंगे, तो कभी उससे मिलता हुआ दूसरा वर्ड मिल जाए तो आप वो लगा दीजिएगा, ठीक है। जिसको भेदा ना जा सके, अभेद। जो साधा ना जा सके, असाध्य। जो चीज इस संसार में ना हो, अलौकिक होती है, क्योंकि ना अलौकिक होती है ना, दूसरी दुनिया की जो चीजें होती है हम उसको अलौकिक कहते हैं, बहुत ही अलौकिक है, ऐसा बोलते हैं हम। जो ब्रह्म संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो, अलोकज्ञ। इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जो ब्रह्म संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो, अलोकज्ञ। जिसे लांघा ना जा सके, अलंघनीय, मतलब जिसकी सीमा को हम पार नहीं कर सकते उसको क्या बोलते हैं, अलंघनीय। जिसकी तुलना ना हो, अतुलनीय। जिसके आदि का पता ना हो, अनादि। जिसकी सबसे पहले गणना की जाए, अग्रगण। इम्पोर्टेंट है ये अग्रगण, जिसकी सबसे पहले गणना की जाए वो होता है अग्रगण, याद रखिएगा। सभी जातियों से संबंध रखने वाला, अंतरजातीय। जिसकी कोई उपमा ना हो, अनुपम। जिसका वर्णन ना हो सके, अवर्णनीय। जिसका खंडन ना किया जा सके, अखंडनीय। जिसे जाना ना जा सके, अज्ञेय। जो बहुत गहरा हो, अगाध। आपको मैंने अथाह भी बताया था इससे, ठीक है, जो बहुत गहरा उसे अथाह भी बोलते हैं, और जो बहुत गहरा उसे क्या बोलते हैं, अगाध। जिसका चिंतन ना किया जा सके, अचिंत्य। जिसको काटा ना जा सके, अकाट्य। जिसको त्यागा ना जा सके, अत्याज्य, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको त्यागा ना जा सके उसे क्या बोलते हैं, अत्याज्य। वास्तविक मूल से अधिक लिया जाने वाला, अधिमूल्य। अन्य से संबंध न रखने वाला, किसी एक में से ही आस्था रखने वाला, अनन्य। जो बिना अंतर के घटित हो, अनंतर। इंपॉर्टेंट है, जो बिना अंतर के घटित हो उसे क्या बोलते हैं, अनंतर। जिसके कोई घर ना हो उसे क्या बोलते हैं, अनिकेतन। नेक्स्ट इसमें है कनिष्का या और मध्यमा के बीच की जो उंगली होती है उसे क्या बोलते हैं, मतलब कनिष्का और सबसे छोटी उंगली कनिष्का बोलते हैं, और मध्यमा मतलब बीच की उंगली बोलते हैं। उन दोनों के बीच की जो उंगली होती है उसे क्या बोलते हैं हम, अनामिका। मूल कथा में आने वाला प्रसंग, लघु कथा को क्या बोलते हैं, मूल कथा में आने वाला प्रसंग या लघु कथा को क्या बोलते हैं, अंतः कथा, ठीक है। जिसका निवारण ना किया जा सके, जिसे करना आवश्यक हो, अनिवार्य। जिसका विरोध ना हो या ना हो सके, अनिरुद्ध या
अविरोधी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और अनिरुद्ध भगवान शिव का भी दूसरा नाम है, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है इसमें, जिसका किसी में लगाव या प्रेम ना हो अनुरक्त, जो अनुग्रह से युक्त हो अनुग्रहित, इम्पोर्टेंट है जो अनुग्रह से युक्त हो अनुग्रहित। हम बोलते हैं हम आप बहुत ही अनुग्रहित हुए कि आपने हमारे काम कर दिया। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो अनाक्रांत, जिसका उत्तर ना दिया गया हो अनुत्तरित, अनुकरण करने योग्य अनुकरणीय, जो कभी ना आया हो अनागत, जो श्रेष्ठ गुणों से युक्त ना हो अनार्य, इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। जो श्रेष्ठ गुणों से युक्त ना हो अनार्य, पहले होता क्या था कि जितने भी जो दास थे उन्हें अनार्य कहा जाता था। आर्य कौन होते थे? जो श्रेष्ठ होते थे, और दासों को अनार्य कहा जाता था। जिसकी उपेक्षा हो अपेक्षित, जो मापा ना जा सके अपरिमेय, नीचे की ओर लाना या खींचना अपकर्षण, इम्पोर्टेंट है याद रखिएगा, नीचे की ओर खींचना मतलब अपकर्षण। जो सामने ना हो अप्रत्यक्ष या परोक्ष, जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके अप्रमेय, किसी काम के बार बार करने के अनुभव वाला अभ्यस्त, इम्पोर्टेंट है। हम कहते हैं अभ्यास कर लो, जो अभ्यास करता है वो कौन होता है? अभ्यस्त होता है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभिपिप्सा, इम्पोर्टेंट है याद रखिएगा इसको। तो देखिए अभी आगे और भी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले सभी आपको इन वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।